ये क्या बॉइल कर रहे हैं आप इसमें? मटर मटर। इसमें क्या मटर के साथ क्या क्या डाले हैं? मटर। तो ये कलर कैसे चेंज हो गया? कुछ तो डाले होंगे ना? कलर कलर। किस चीज का कलर? जलेबी मतलब कलर है और मटर है बस, और नमक वगैरह कुछ? कुछ नहीं। क्या तैयार कर रहे हैं आप? ग्रेवी बनाएंगे। किस चीज की ग्रेवी? मटर की ग्रेवी समोसे के लिए। तो इसमें आप क्या क्या डाल लेंगे इसमें ग्रेवी के लिए? अदरक लहसुन का पेस्ट रहेगा प्याज के साथ, है ना? तो इसको क्या फ्राई वगैरह करेंगे? हाँ अदरक लहसुन और प्याज, अब इसको पीस देंगे। ये ग्रेवी बनाने के लिए तेल डाल रहे हैं। ग्रेवी तैयार होगी। जीरा डाल रहे हो? जीरा के बाद ये चटनी बड़ी सुगंधित खुशबू आ रही है। नमक स्वादानुसार। अब क्या डाल रहे हैं? ये हल्दी है। हल्दी डाल रहे हैं। ये गरम मसाला है। एवरेस्ट गरम मसाला है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये कलर वाली मिर्ची है? देखी नहीं थी मेरे। नहीं देखी नहीं थी, कलर बनाती है। अच्छा रेड कलर का हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी तैयार हो चुकी है मटर के साथ परोसने के लिए। मटर और मतलब समोसे में जो मटर डालते हैं, तो मटर बॉइल करके मटर डालेंगे और साथ में ग्रेवी डालेंगे, है ना? और चटनी। अच्छा रेडी हो गई आपकी? ये क्या उबाल रहे हैं आप? अंकरिया। अंकरिया ये सूखे हुए आम है ना? सूखा हुआ आम। ये किस लिए उबाल रहे हैं आप? चटनी बनाएंगे समोसा के लिए, स्वादिष्ट चटनी। हाँ आपकी चटनी भी बहुत स्वादिष्ट रहती है। तो कितनी देर तक उबालेंगे तो ये उबल जाएगी? करीब 5 मिनट तक उबलेगी। 5 मिनट तक उबलेगी, फिर इसको क्या करेंगे? लहसुन अदरक मिर्ची जीरा धनिया। हाँ हाँ इसी के साथ डाल के? नहीं हाँ वो अलग पीसेंगे। हाँ मिर्ची लहसुन अदरक जीरा धनिया ये अलग मसाला में जाएगा। हाँ 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 इसमें इसके साथ काला नमक पड़ेगा। हाँ हाँ अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना रहे हैं।
अदरक लहसुन और मिर्ची। जो उधर से आम उबाल के लेके आओगे, आम सूखा आम, इसे में डाल देंगे बस। उसका पानी सही डाल दोगे इसमें तो तैयार हो जाएगा। ये अभी किस तरह से इसको आम आएगा उबाल के, इसके किनारे दोनों को मिक्स कर दो। मिर्ची डाल दिया आपने। इसमें अदरक लहसुन और प्याज, अब इसको पीस देंगे। आम की चटनी बना रहे हैं। अच्छा, अब इसको पीसेंगे। इसको पीस के उसी में डाल देंगे और कुछ मिलाएंगे भी इसमें क्या? पेस्ट बन गया, चटनी बन गई आपकी। ये आपकी चटनी कंप्लीट हो गई। ये आपने जो आम कच्चे सूखा आम को इसको पीस दिया है ना, अब इसमें मिला देंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट में इसको मिला दिया आपने है ना। कंप्लीट हो गई, ये आपकी चटनी कंप्लीट हो गई है ना। भैया ये आप क्या बना रहे हैं? ये कैसे कैसे बनाए, इसमें क्या क्या डाले? अदरक लहसुन का पेस्ट है हाँ, और जीरा राई का सौंफ का बघार लगा है हाँ, और खड़ा मसाला डाला। ये कितनी देर तक इसको पकाएंगे? 15 मिनट पके देता है। 15 मिनट तक आपका समोसा बनाने का इस तरीका बहुत बढ़िया है और यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बिकता है। ये तो है बात, बहुत टेस्टी बनाते हैं। चलिए भैया, मैं आपकी आज पूरी डिश इसमें कवर करूंगा, कैसे क्या बनाते हैं। ठीक है, आपका समोसा जो है बहुत फेमस है यहाँ पे, यहाँ बहुत ज्यादा बच्चों पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी है। एवरेस्ट की कितनी पैकेट वगैरह डालते हैं? अच्छा, अभी ये पहले पैकेट है इसमें। बहुत ठीक आ रही है, बहुत मसाला डाले हैं इसमें लगता है। आप समोसा बस बनाते हैं कि और भी कुछ बनाते हैं? अभी तो फिलहाल समोसे ही बनाते हैं। नहीं, उसके अलावा भी और बनाते हैं? अच्छा, ये आपका ये मसाला रेडी हो गया, ये आलू का है ना, बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसमें आप ये आलू समोसे बना के डालेंगे आप? ये आलू, ये आप क्या कूद रहे हैं इसमें? मैदे का आटा, इससे क्या बनाएंगे आप? समोसा बनाएंगे। तो इसमें आपने क्या क्या डाला है? इसमें सर तेल है, कढ़ाई है। तेल का है का? रिफाइन का सर। रिफाइन का तेल और कढ़ाई डाले जी, और नमक। नमक और हो गया मैदा। मैदा तो इसमें कितना क्या डाले थोड़ा सा आपको बताएंगे क्या? इसमें कितने किलो आपने मैदा लिया है? 5 किलो। तो उसमें कढ़ाई वगैरह क्या कितना डाला है?
फ्रायर वही अंदाज से डालते सर। अच्छा अंदाज से डाल रहे हैं। ये अब समोसा बनाने के लिए आटा है ना, लोई बना रहे हैं इसकी। इसमें से कितना समोसा निकल जाएगा आपका? सत्तर समोसा निकल जाएगा। पूरा अंदाज है आपको? ये समोसा बनाने का आपका ये तैयार हो गया आटा। समोसा बना रहे हैं आप? इससे कितना समोसा रेडी हो जाएगा? इसमें कितना समोसा रेडी हो जाएगा? हाँ 280 समोसा। अच्छा तो दिन भर में कितनी बार ये समोसा जो है आप बनाते हैं? दो तीन बार। ये समोसे की पट्टी बना रहे हैं। ये तेल गरम कर रहे हैं आप? अच्छा जब ये उबलने लगेगा, तेल खोलने लगेगा तब डालेंगे समोसे? नहीं। हाँ थोड़ा गरम हो जाएगा तो। अच्छा हाँ आप ये समोसा आप बनाने लगे हो जी। तो थोड़ा सा ये आराम से बनाना, ये समोसे की फोल्डिंग कैसे करते हैं आदमी, ये मटेरियल तो तैयार कर लेता है, मेन फोल्डिंग कैसे करते हैं थोड़ा एक एक करके बताइएगा धीरे धीरे। जैसे ये आपने ये लिया पट्टी उड़ाई सर। हाँ ये पट्टी हो गई अपनी, पानी लगा दिए। हाँ हाँ ये फोल्डिंग की। हाँ हाँ ये मसाला भर दिए। हाँ ये पानी लगा के फोल्डिंग कर दिए। एक बार और बताइएगा। ये पट्टी लिए सर। हाँ ये फोल्डिंग की। हाँ हाँ ये मसाला भर दिए, पानी लगा के फोल्डिंग कर दिए। नहीं ये दूसरी वाली फोल्डिंग समझ में नहीं आई, नीचे वाली सर जो लास्ट में किए हो। आराम से बताइए लास्ट में, दो तीन बार आपने मोड़ दिया ये। हाँ ये सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये समोसा को कितने बार इसको पकाओगे? एक बार ही डाल दिए, पक जाएगा निकाल लोगे आप? कोई कोई तो दो बार ट्राई भी करता है। वो हाफ ट्राई करता है। हाफ ट्राई रखेंगे। अच्छा तो उससे कैसा समोसा बनता है? ये अभी डाले हैं जो सर। हाँ ये हल्का सा कड़कपन हो जाएगा इसमें, हल्का सा होगा। हाँ कड़क होगा फिर निकाल के रख देंगे। जो जो आप फ्राई करते हैं दो बार फ्राई करते हैं उसको? उसको वही बोल रहे हाफ फ्राई वाला जो समोसा बनाते हैं वो ज्यादा कड़क हो जाता है? कड़क रहता है। अच्छा उसमें मोहन कम डालते हैं कई बार में हमारे यहाँ।
ज्यादा समोसा पक गया है ना जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो समोसा एकदम बन के रेडी हो गया खाने के लिए, कड़क समोसा। देखिए दोस्तों मटर की ग्रेवी तैयार हो चुकी है और ये जो मटर बॉईल किया था मटर है, ये समोसे की चटनी है जो खट्टी है आम की, छोटे आम की, ये नमकीन है और ये लाल मिर्च को फ्राई किया गया है। हरी मिर्च को भी फ्राई कर सकते हैं, साथ में प्याज है, नमक। ग्रेवी में आपने चटनी मिक्स कर दिया है खटाई के बढ़ाने के लिए। ये समोसा लगा रहे हैं आप, लगा दीजिए। ग्रेवी डाल रहे हैं खटाई के लिए। अच्छा जो चटनी बनाए थे इसी में डाल दिया था क्या? अच्छा इसी को मिक्स कर दिया था, ग्रेवी और चटनी को मिक्स कर दिया क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। ये आपका समोसा तैयार होगा, मटर समोसा एकदम गर्मा गर्म खाने के लिए। क्या धन्यवाद आपका।